हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लाना स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 13.5 इंच है, चौड़ाई हमारी 10.5 इंच है। 6 इंच पे हमने मोढ़े का निशान लगाकर काटा है। ऊपर से हम 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले के लिए प्लस 9 इंच रखेंगे। तो यहाँ से देखिए बॉक्स बना लेते हैं और अब हम गले का शेप देते हैं। और अब हम देखिए यहाँ पर पहले 2 इंच पर निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पर निशान, फिर यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। और ये देखिए हमने इसे राउंड कर लिया है इस तरह से, और अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए हमने गले को काट लिया है। यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है और इसे डबल फोल्ड करते हुए इस पैटर्न को हम रख लेंगे। आगे से सेम निशान रखेंगे और साइड से पीछे से हम 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए पेपर को काट लेंगे। तो देखिए हमने पेपर को कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, पहले हम ब्लाउज के कपड़े को फैला लेंगे, उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे। हर जगह पिन अटैच कर लेते हैं पहले। और अब हम गले की सिलाई लगाते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से गले की सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर से 20 से कपड़े को काट कर निकाल लेते हैं। हल्का हल्का कट हम पूरे गले के ऊपर लगा लेते हैं। और अब हम इसे पलट लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से कोने को निकालते हुए हमने पलट लिया है। और अब हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए, अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने चारों तरफ से सिलाई लगा लिए हैं। और इसके बाद देखिए, हमने एक कुछ चौकोर कपड़ा लिए हैं, इसे त्रिभुज की तरह मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए हमने बहुत सारी पैटर्न बना लिया है। और अब हम देखिए इसे पैटर्न को पेपर के कटिंग के ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। और इसके बाद देखिए, हम दूसरे साइड से भी कोने को मिलाते हुए, त्रिभुज के कोने को मिलाते हुए अटैच करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है। और यहाँ पर हमने कुछ तिरछी पट्टियाँ लिए हैं, इसे आपस में हम जोड़ लेंगे। और इसे देखिए अपने ब्लाउज के ऊपर, पहले एक साइड से हम सिलाई लगा लेते हैं और दूसरे साइड से देखिए हम ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे। और इसे देखिए इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। और इसके बाद देखिए, हम इसका 20 सेंटर कर लेते हैं पहले, और इस दोनों 20 सेंटर को मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए, हमने बराबर से मिलाते हुए पिन अटैच कर लिए हैं। और अब हम सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगाकर इसका पक्का कर लिया है। और यहाँ पर पहले नीचे का हम प्लेट बना लेते हैं, दूसरे साइड से भी प्लेट बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम 1 इंच का पट्टी लिए हैं और इसे नीचे साइड रखते हुए सिलाई लगा देंगे। और अब हम इसे अंदर के प्लेट और प्रेस करते हुए सिलाई लगा लेंगे।
इसके बाद देखिए हम गले के ऊपर से एक लेस लगा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हम पीछे से कागज को निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ मोती ले लिया है और दोनों त्रिभुज के कोने को मिलाते हुए हम मोती अटैच करते जाएंगे। सभी जगह दोनों कोने को मिलाते हुए मोती अटैच हो गया है। तो देखिए हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा?